सिंह, आप देख रहे हैं फास्ट न्यूज इंडिया और आइए आज की तमाम बड़ी खबरों पर नजर डालते हैं। प्रयागराज में कटरा इलाके में पुराना कटरा पीला सिवाल की गली में घर में घुसकर लड़की का गला दबाने की कोशिश किया गया। जब पीड़ित लड़की ने शोर मचाया तो बगल में कमरे में सोई हुई बहन जागी और उस लड़के से लड़की का बचाव किया, जिसका थाना कर्नलगंज में FIR दर्ज कराया गया है। प्रयागराज से हमारे संवाददाता रानू सिंह की रिपोर्ट। ये बच्चों से क्या संबंध है आपका? आज लड़के जो आए थे, क्या इनके वो पहले आपने कभी देखा? नहीं, कभी नहीं देखा। ये ऐसा इन्होंने क्यों किया? आज ये पहली बार ऐसा हादसा, इतने सालों को रहते हो, 20-22 साल हो रहे हैं, मतलब पहली बार ऐसा हादसा हुआ है। अभी तक अभी उम्मीद ही नहीं आ, तो कभी कभी गेट भी खुला रह जाता था बच्चे। आज पहली बार कुछ खुश शौक है उस चीज़ के लिए। आज हम लोग मेरे हस्बैंड हमेशा जाते हैं वहाँ मॉर्निंग वॉक के लिए, तो आज के रोज की तरह आज भी हमने जो 6 बजे करीब निकला, वही 6 बजे जैसे वही तो इनको पिटिया को थोड़ी देर से 6:15 के आसपास और 6:30 के आसपास फ़ोन आया कि मम्मा ऐसे ऐसी बात होगी। हम तो हमने तुरंत आए तो बोला कि भगवान जी बताए नहीं कि मामी ऐसे ऐसे कांड हुआ है, तो हम खुद ही सब चीज़ वहाँ पर देखने लगे कि अगल बगल पूरा वहाँ तक गए भी, इनके पापा भी साथ में, कि मतलब ढूंढ के आगे कौन था, क्योंकि पिटिया पहचानती थी उसका शक्ल, लेकिन दिखा नहीं वो। तो ये लगभग लड़का कहाँ का लगा होगा, कुछ जानकारी? कुछ नहीं, हमें कोई जानकारी। पुलिस कंप्लेंट आपने इसका किया कहीं अभी? हाँ, कर दी, लोगों ने बोला कि आप कंप्लेंट कर दी, क्योंकि बच्चा आज पहली बार हुआ, तो कभी आगे के लिए कम से इस तरह हादसा ना हो, इसलिए करना जरूरी था। तो बच्चे क्या लगते हैं? मैं बच्चे का पिता। आज क्या हुआ बच्चे के साथ? हम लोग सुबह 6 बजे जो है टहलने गए थे और वहाँ पहुँचे तो उसके थोड़ी देर बाद फोन आया कि आप लोग घर आ जाइए। पूछा क्या हुआ तो बताया कि लड़का घुसाया था। हम लोग तुरंत आए तो वो बताया कि अंदर से दरवाजा गेट बंद था, हाथ डाल खोल कर वो अंदर आ गया था और हमारा हाथ पकड़ा। उसके बाद मैं चिल्लाई तो जो मेरा गला दबाने की कोशिश किया, तब तक मेरी हमारी भांजी आ गई और उसने जो है उससे हाथापाई हुई और वो कूद के भाग गया। क्या इस दौरान खोज खरोच हुई लगी क्या किसी को? हाँ, लड़की मेरी लड़की की समझ लग गई है चेहरे पर। चेहरे पर? अच्छा, ये लड़के लड़का की जानकारी कुछ इसकी है? नहीं, लड़के को हम नहीं पहचानते हैं। और उसने आप जब नहीं थे तब वो घर में आया, ये कुछ समझ नहीं आया? हुआ तो कहीं वाच किया हो, देखा हो कि हम लोग निकल गए तब आया है। क्या कोई दुश्मनी किसी से? तो ये बताओ क्या कारण ज्ञात है इसका? हाँ। आपका नाम? कृष्ण कुमार। कहाँ के रहने वाले हैं? कटरा। खबरों का सिलसिला बना रहेगा, लेकिन यहाँ पे लेते हैं छोटा सा विराम। ठेकेदार रमाकांत चौहान, RM डिजाइन कंस्ट्रक्शन, कॉन्टैक्ट नंबर 7007236954 एंड 9161673435। एड्रेस तिरौली सिकरौरा देवगांव आजमगढ़। अनीस अहमद प्रधान की तरफ से समस्त क्षेत्रवासियों को ईद एवं निर्जला एकादशी की हार्दिक शुभकामनाएं। ग्राम कस्बा देवगांव, पोस्ट देवगांव, जिला आजमगढ़। संपर्क मोबाइल नंबर 7379337610। समझौता क्यों, आज ही सबसे बढ़िया जनरेटर लाए ईचर इंजन्स। संपर्क करें 9649912120, 9838766078। फ्री पत्रिका बांटे, 1000 से 1 लाख मासिक सैलरी पाएं। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें fastnewsindia.co पर एवं संपर्क करें 9454194001 एवं 03 एवं 06 एवं 07 पर भी। निमंत्रण पत्र, संत कबीर साहिब जी का 621वां प्रकट दिवस सत्संग समारोह एवं विशाल शोभा यात्रा। पता, सत्य पंथ आश्रम नजदीक बाईपास तालाब रोड झंझर हरिद्वार। देखरेख संत इंद्रमणि साहिब जी के परम सेवक संत सुरेंद्र दास जी महाराज। संकल्प ट्यूटोरियल्स, IIT JEE नीट 9th, 10th, 11th, 12th, TET SSC, बैंक, रेलवे। संपर्क करें 9335418689 एवं 9335720660 पर। दुबले पतले लड़के लड़कियां बच्चे सेहत व वजन बढ़ाएं, बिबग्योर क्लिनिक
लखनऊ, लेखराज मार्केट 1, इंदिरा नगर 9839022550। Unsuccessful students 9, 10th, 11th and 12th, any board, save your ears, NIOS, National Board of Government of India, New Horizons, opposite PDR Mall, Laksa, Varanasi. Contact on 7376061000 and 9451373839. Multiple Intelligence Enabled Curriculum. Foster Kids Play School Admission Open. Playgroup, Nursery, LKG, UKG, Daycare, Preschool, Activity Center. Address near Shiv Shakti Temple, Dakhpura, Muni Buland Shahar, UP 203131. Viram ke baad punah sabhi ka ek bar swagat hai. Fatehpur Pradhan Dak Ghar mein bhi idhar udhar herapari ke chalte grahak seva ka kaary babuo ke chalte jan samman hi nahi balki विशिष्ट जन भी कार्यशैली से असंतुष्ट नजर आए, जिसके मानवाधिकार एवं उपभोक्ता फोरम के जिलाध्यक्ष श्री राम अग्निहोत्री जी के अगुवाई में अफरा तफरी का माहौल नजर आया। वहीं फास्ट न्यूज इंडिया की टीम की पड़ताल में पाया कि 10 की जगह 100 का पोस्टल आर्डर बेचा जा रहा है। प्रधान डाकघर अधीक्षक से वार्ता कर जरूरतमंदों को 10 का पोस्टल आर्डर उपलब्ध कराया गया। फतेहपुर से हमारे संवाददाता श्रवण कुमार तिवारी की रिपोर्ट। प्रधान डाकघर जनपद फतेहपुर में खड़ा हूँ सर, हमारे और आप हैं सम्मानित हमारे सर्विस मिश्रा जी। सर्विस मिश्रा जी नहीं, परेन 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 एसपी हेडक्वार्टर है आपके ऑफिस के इंचार्ज। अच्छा 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 सर, महोदय जी कुछ बताने से पहले सम्मानित भाई साहब के लिए इंगित कर रहे हैं, आइए मैं इनके माध्यम से इनकी अपनी जुबानी कार्यालय की परेशानी और भारत सरकार की योजना को किस तरीके से ग्रामीण जनों पर उनका वांछित लाभ पहुंचेगा इसके बारे में जानकारी लेने के लिए सम्मानित महोदय जी के समक्ष खड़ा हूं। श्रीमान जी आप अपना परिचय देते हुए बताने का कष्ट करें, शासन के स्तर से किन किन योजनाओं को लागू किया जा रहा है और ग्रामीणों को विशेष रूप से जो छोटी छोटी समस्याएं जैसे वोटर आदत जैसी समस्याएं जो उत्पन्न होती है उनके लिए आप किस तरीके से प्रयास करते हैं उनके निदान के लिए बताने का कष्ट करें, बहुत बहुत धन्यवाद। आप अपना परिचय देते हैं। मैं सर्वेश मिश्रा जी, सहायक अधीक्षक जी, मुख्यालय फतेहपुर पर कार्यरत हूँ। जैसा कि आपने कहा, शासन द्वारा जनता के कल्याण के लिए चलाई जाने वाली योजनाओं को किस प्रकार से हम जनता के बीच में ले जा रहे हैं जी, जी। तो उसके लिए आपको बताना चाहूंगा कि पूरे भारतवर्ष में डाक विभाग का नेटवर्क सबसे बड़ा है जी, जी। 1,55,000 पोस्ट ऑफिस के साथ हम जनता के बीच में हैं और समय समय पर भारत सरकार द्वारा चलाई जाने वाली नई योजनाओं को लेकर हम जनता के बीच में जाते हैं जी, जी। हर 3 किलोमीटर पर हमारा एक डाकघर है जी, जो जनता को सेवाएं प्राप्त करता है। यदि किसी प्रकार की किसी ग्राहक को कोई परेशानी होती है और वो हम तक या हमारे अन्य अधिकारियों तक पहुँचता है, संज्ञान में आने पर हम उसका समुचित निराकरण करते हैं। रही बात योजनाओं की, तो माननीय प्रधानमंत्री महोदय भारत सरकार श्री नरेंद्र मोदी जी ने जी जी शासन में आते ही कन्याओं के लिए एक बहुत अच्छी योजना प्रारंभ की थी, सुकन्या समृद्धि जी जी। सुकन्या समृद्धि योजना 0 से 10 वर्ष की आयु की बच्चियों के लिए है, जिसमें प्रति माह एक छोटी रकम जमा करेंगे उनके अभिभावक और बच्ची के बड़े होने पर एक उम्र प्राप्त करने पर उसका भुगतान एक मुश्त में दिया जाएगा, जिससे उस बच्ची की शिक्षा और उसके शादी ब्याह में उनको मदद मिल सकती है। इन सबके अतिरिक्त वर्तमान में पिछले वर्ष 1 सितंबर को माननीय प्रधानमंत्री महोदय जी द्वारा इंडिया पोस्ट पेमेंट्स बैंक का शुभारंभ किया गया था जी जी। इंडिया पोस्ट पेमेंट्स बैंक हमारी प्रत्येक शाखा पर ग्राहकों को बैंकिंग की सेवा देने के लिए उपलब्ध है जी जी। जिसमें बिना किसी कागजी कार्रवाई के आप अपना खाता खुलवा सकते हैं, ना कोई आपको फॉर्म भरना है, ना कोई आपको जमा फॉर्म भरना है, ना कोई निकासी पर्ची भरनी है जी जी। मोबाइल नंबर आधार नंबर लेकर के आप आते हैं, आपका खाता खुल जाता है और जब आप चाहेंगे काउंटर पर भुगतान लेना चाहें तो काउंटर पर ले सकते हैं। इसके अलावा IPPB में इंडिया पोस्ट पेमेंट्स बैंक में डोर टू डोर स्टेप बैंकिंग की भी हम सुविधा दे रहे हैं। आप कॉल करेंगे हमारे टोल फ्री नंबर्स पर, हमारे पोस्टमैन आपको दरवाजे पर सेवाएं देंगे। साथ ही साथ तमाम RD, MIS, TD जो हमारी परंपरागत योजनाएं हैं लघु बचत की, वो सारी की सारी प्रभावी हैं और यथासंभव उनका लाभ जनता को दिया जाए। धन्यवाद। क्या बात है कि इतने सुंदर विचारों के साथ में सम्मानित अधीक्षक महोदय जी ने
मीडिया कर्मियों से रूबरू होते हुए जनता तक शासन की योजनाओं को पहुंचाने की जो विशेषताएं बताई हैं वो निश्चित रूप से सराहनीय है। इसी के साथ श्रवण कुमार तिवारी, फास्ट न्यूज इंडिया, फतेहपुर। नमस्कार, धन्यवाद। आगे खबरों का सिलसिला ऐसे ही बना रहेगा, आप बने रहिए फास्ट न्यूज इंडिया के साथ। धन्यवाद।